कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर की पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। देश में नफरत और भय का जो माहौल है उसके खिलाफ और जो प्रजातंत्र को संविधान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है उसी कड़ी में कल पानीपत में थे और 8 तारीख को कुरुक्षेत्र में जिरबड़ी गांव से एंट्री करेंगे और फिर पिपली चौक होते हुए पुराने बस स्टैंड तक यात्रा समापन होगी और उसके बाद राहुल जी पवित्र ब्रह्म सरोवर की शाम की आरती में शामिल होंगे और आरती करेंगे। पूजा अर्चना से जो भी यहाँ की पूजा अर्चना है आरती है उसको करेंगे। उसके लिए पूरी तरह से जहाँ लोगों का प्यार मिल जाए कार्यकर्ता जोर ला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि धर्मनगरी पूरी तरह ऐसा व्यक्ति जो बगैर किसी इंटरेस्ट के 3500 किलोमीटर चल के केवल देश में नफरत को खत्म करना चाहता है भय के मोल को खत्म करना चाहता है उसके साथ जुड़ने के लिए पूरे कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी तैयार है। बीजेपी का मकसद है केवल नफरत फैलाना। राहुल गांधी जी की ये यात्रा जो है इससे आम जन जुड़ रहा है। कांग्रेस जोड़ने की चिंता उनकी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पहले भी एक थी आज भी एक और एक रहेगी और बीजेपी का विकल्प भी अगली बार कांग्रेस खासतौर पे अगला से 9 तारीख को चलेंगे और 9 तारीख की यात्रा पूरी तरह महिलाओं की यात्रा होगी तो पीपली महिलाएं इनके साथ चलेंगी। पूरा महिला दिवस के रूप में उस यात्रा को समर्पित यहाँ पर नहीं है क्योंकि पब्लिक मीटिंग कल एक बहुत बड़ी पानीपत में हुई है। ये यात्रा है और यात्रा यही समापन होकर और आरती में शामिल होगी। अमित शाह जी ने जिस तरह की अमित शाह की जिम्मेवारी है अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं देश की सीमाएं सुरक्षित रहें देश के अंदर आतंकवाद ना फैले देश के अंदर अपराध ना बढ़े ये जिम्मेवारी एक मंत्री के होने के नाते अमित शाह जी की है। अमित शाह ये कहे कि राम मंदिर प्लाडेट को मिलेगा ये जिम्मेवारी देश के लोगों ने सौंप रखी ये तो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग बताएं कि कब चालू होगा इस बात की बात उन्होंने ऐसा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है राम के सबसे भगत हम लोग हैं हमारे तो मन में राम है हम तो सुबह उठते भी सबको राम राम करते हैं परंतु इस प्रकार से धर्म का प्रचार करके ये राजनीति से जोड़ रहे हैं ये गलत है। राम का नाम हो राम की पूजा हो राम की आरती हो ये बहुत अच्छी बात है राम के आदर्श अगर हर एक कोई अपना ले ये बीजेपी वाले राम की तो बात करते हैं राम के अगर आदर्श अपना ले ना तो मैं मानता हूँ कि राम से बड़ा सामाजिक व्यक्ति नहीं था। उसकी तो सारी रामायण पढ़ के देख लो उसमें तो भाई का भाई के प्रति सेवक का गुरु के पति पति का पत्नी के प्रति पत्नी का पति के प्रति सारे गुण बताए हुए हैं अगर उसको मान ले तो फिर देश तो रहे ही ना।